और अजलान की तरफ आप जैसे चेक करें, थोड़ा लेवल चेक करें, 37-40 डांसर्स और हम लोग थे कुछ 6 से 7। जिस चीज़ की इतने टाइम से हम तैयारी कर रहे थे, फाइनली निकाह का दिन था। निकाह वाला दिन बहुत स्पेशल था क्योंकि अजलान के लिए वो बहुत बड़ा दिन था और मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि अजलान का फाइनली यू नो निकाह होने वाला है। तो भाई 1 दिसंबर है, मेरे निकाह का दिन। सलोन अपॉइंटमेंट के लिए मैं लेट हो गई अपने। सुबह मैं 9 बजे उठा, पहले वरीशा को पिक करने गया। वरीशा को पिक करने के बाद मैंने पार्लर में ड्रॉप करा उसको, फिर उसको वहाँ ड्रॉप करने के बाद मैं गया इलियास सैलून। ठीक है जी, वहाँ मैं जाता हूँ और वहाँ जाके जी मुझे पता चलता है कि मैं सॉक्स लाना भूल गया, जूते लाना भूल गया, गले के अंदर एक माला टाइप्स जो पहनी हुई है वो लाना भूल गया। और फिर मैंने कॉल की शुजा को। मैं जब अजलान के पास गया वो रेडी हो रहा था और मैंने पहली बार अजलान के जो हाथ है ना ऐसे कपकपाते हुए देखे। वो अपना जो बटन बांध रहा था ना ऐसे वेस्ट कोट के, तो उसके हाथ ऐसे थे। वो अपना मोबाइल भूल जाता था, अपना वॉलेट भूल रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। मैं घबराहट में जो है ना सब चीज़ें भूल गया हूँ, प्लीज़ कुछ करो, लेकर आओ, जैसे जैसे कुछ भी करो। मैंने उसको बड़ा ठंडा किया, मैंने कहा रिलैक्स कर, कुछ नहीं है, सब हो जाएगा, तू बस चिल कर, ब्रीदिंग करता रहे, सब सेट हो जाएगा। मैं इतना घबराया हुआ था उस दिन, मतलब इतना पैनिक मोड में था, मैं घड़ी भूल गया अपनी। तो शुजा ने मुझे अपनी घड़ी दी, अपनी घड़ी उसने मुझे पहनाई और बोला रिलैक्स कर, चिल कर, तू आराम से रह। उस बेचारे ने मुझे मोज़े पहनाए, उसने मुझे जो है वो जो खुस्से थे वो जो शूज़ थे सॉरी ग्रीन कलर के वो पहनाए। बट उस दिन मैं जब मैंने अजलान को रेडी होके देखा मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। फिर हम लोग जब इवेंट पे पहुँचे तो हम अजलान के घर वालों का वेट कर रहे थे, वो थोड़ा सा लेट हो गए थे ट्रैफिक की वजह से। खैर मैं तैयार हुई, पर ईसा ने मुझे तैयार किया था। शी गेव मी एग्जैक्टली द लुक दैट आई वांटेड, जिस तरह का मैंने सोचा हुआ था एग्जैक्टली उसने मुझे उसी तरह का तैयार किया था। मुझे बिल्कुल लाइट मेकअप चाहिए था, मुझे ब्रेड चाहिए थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे बैश किया कि इस लड़की ने हर इवेंट में अपने एक जैसे बाल बनवाए, लेकिन वो मेरी खुद की चॉइस थी। तो वहाँ से जो है मैं गया फिर वरीशा को पिक करने के लिए, क्योंकि मुझे तैयार होते थे तकरीबन 2-3 घंटे लग गए थे। खैर तैयार तो मुझे कर दिया था परीसा ने, लेकिन अब मुझे सबसे बड़ा स्ट्रेस था कि हम क्या अपनी डे लाइट शूट करवा पाएंगे। और मुझे निकाह भी डे लाइट में ही चाहिए था, तो मुझे ये था कि डे लाइट शूट भी हो, उसके साथ डे लाइट निकाह भी हो पाएगा। और ऑब्वियसली सर्दियां आ गई थी तो वो टाइम फ्रेम बहुत कम हो गया था। अब जी मैं जाता हूँ वरीशा को पिक करने पार्लर में, तो फरवा और कुलसुम वहाँ पर ऑलरेडी थे। अब उन्होंने कहा अजलान भाई हमें आपका फर्स्ट रिएक्शन रिकॉर्ड करना है, प्लीज़ ऊपर आ जाए। मैंने बोला यार ये तो बड़ा डेडली सीन हो गया। अब मेरे हाथ लिटरली कांप रहे हैं, यूं ये वाले कांप रहे हैं, मैं यूं हुआ हूँ, ऐसे मैंने हाथ पकड़ा और मैं यूं हिल रहा हूँ, लिटरली शिवर कर रहा था कि यार ये मतलब हम परीसा की बालकनी में, जो सलोन की बालकनी है उसमें अजलान को खड़ा किया बैक करके और मैं बाहर आई, मैं मुड़ी और अजलान वो ऐसा था वो मोमेंट, मैं कभी भी उस मोमेंट के लिए अल्फाज नहीं ला सकता, मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। वो मोमेंट ऐसा था कि बस समझ जाओ। मुझे भी उस वक्त नहीं समझ रहा, इस्लाम भी बहुत ज्यादा रैग बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत हैंडसम लग रहे थे, तो मुझे मैं बहुत इनएक्सप्रेसिव हूँ, मुझसे बोला नहीं जाता, लेकिन मैं उनको देख के मैं अपना नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी, वो अपना नहीं, वो वाह 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 इस तरह कर रहे थे। इट वाज अ वेरी क्यूट मोमेंट। वरीशा को फिर मैंने कहा बस चलो शूट के लिए जाना है। फिर हम शूट के लिए गए जहांगीर कोठरी, वहाँ पे जो है क्लिफ्ट में वहाँ हमने शूट किया। मतलब अजलान एक शहजादा लग रहे होंगे, मैं एक पुराने मुगल टाइम की प्रिंसेस, उस तरह का, बिल्कुल उस तरह की पिक्चर्स आई, उसी तरह की वाइब जो है कैप्चर हुई। तो प्री इवेंट शूट वाज वेरी नाइस। अब हमें असर पे लोकेशन पे पहुंचना है क्योंकि हमारा
निकाह होना था और मगरिब हो गई है, तकरीबन हम पहुंचे ही नहीं. It was supposed to be a sundowner event and Azlan said, यार 5 बजे सबने पहुंचना है. अब being a girl, there's also like a lot of stress involved कि आपने रेडी होना है, बाल बनाने, मेकअप करना है, all of that. I'm a very punctual person. I reached late because of my brother. I think हम 5:30 बजे पहुंचे और कोई नहीं था. हम लोग ट्रैफिक में फंसे और पहुंचे वेन्यू पे. पीछे से हमें कॉल्स आ रही हैं कि जो है ना मौलवी साहब को अगला निकाह पढ़ाने जाना है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ. खैर हम तो पहुंच गए. जब हम पहुंचे तो हमने देखा सही है, डे लाइट है. जो मैंने सोचा था कि दिन में निकाह करना है वो हो सकता है, लेकिन अज़लान की फैमिली नहीं पहुँची हुई थी. घर वाले जो है वो देर से जो है वो निकले. तो मैं बाहर खड़ा हूँ, डीनो वहाँ खड़ा हुआ, डीनो मेरी स्नैप्स बना रहे हो, लड़का आ गया. अबे मैं खुशी के मारे जंप पे मार रहा हूँ ना, मतलब मैंने भाई निकाह होने वाला है मेरा आज. खैर अज़लान की फैमिली आई, फिर फाइनली अब वो निकाह पड़ता है. बीच में यहाँ पे अज़लान बैठे हुए हैं, यहाँ पे मैं बैठी हूँ. मेरे मुँह पे वो घूंघट था क्योंकि मैंने बोला था कि निकाह के बाद अज़लान घूंघट उठाएंगे तो वो मुझे देखेंगे. तो मेरी तो सांसें पता नहीं कहाँ चढ़ी थी, मुझे मेरे मुँह से तो अल्फाज भी नहीं निकल रहे थे उस वक्त पर. और वो कारी साहब पूछते हैं कि आपको कबूल है, मैं कहती हूँ मैं कबूल है बोलूँ, जी बोलूँ, क्या बोलूँ मैं. बोला हाँ हाँ जी 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 सही है. मौलवी साहब आते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, निकाह पढ़ाना है, ठीक है जी. और अज़लान साहब के पास जब कारी साहब गए और पूछने लगे कि भाई यू नो वरीशा और ये आप कबूल करते हैं, तो अज़लान का रिएक्शन बड़ा मज़े का था. उसका रिएक्शन था उस टाइम पे कंफ्यूज, नर्वस और पता नहीं क्या हो गया था क्या है, मेरी हंसी छूट गई थी. उन्होंने कहा जी मुझे कबूल है. शर्फी काजी काशिक जावेद में हाजिर हूँ, मेरे साथ जुमला गवाह मौजूद है. इनकी मौजूदगी में आपका निकाह तय किया जाता है. क्या आप मुझे अपने निकाह की इजाजत देती हैं कि संगीत अज़लान शाह वर्द संगीत शफीक अहमद से आपका निकाह कर दें? क्या आप इजाजत देती हैं कि संगीत अज़लान शाह से आपका निकाह कर दें? क्या आपने इस निकाह को कबूल किया? जी कबूल किया. करेंगे कि आपने इस निकाह को कबूल किया? क्योंकि निकाह था तो बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स चल रही थी, खुशी भी चल रही थी लेकिन दुख भी हो रहा था. मुझे रोना आ गया उसको देखा, क्योंकि द रियलिटी हिट मी कि अब कुछ दिनों में वो चली जाएगी. तो मैं बस एक सेकंड को उसको देख के बाहर निकल गया. आई स्टार्टेड क्राइंग. तब मुझे कुलसुम बाजी ने चुप करवाया था कि छोड़ो कुछ नहीं. और फिर मैं अंदर भी नहीं वापस जा पाया था क्योंकि अगर मैं रोऊंगा तो वैशा भी रोने लग जाती. मैं रो भी बहुत ज़्यादा रही थी वहाँ पर, लेकिन मुझे खुशी भी बहुत हो रही थी कि वरीशा और अज़लान भाई की फाइनली शादी हो रही है, अज़लान की विश फाइनली पूरी हो रही है. It was just such a funny and such an adorable moment. Yeah, I don't think I'll ever forget that. फिर ज़ाहिर बाद में कवाली की नाइट हुई और खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निकाह हुआ. पर्दा हटा के अज़लान आए, ही हग्ड मी, उन्होंने घूंघट उठाया, उन्होंने मेरे फोरहेड पे किस किया. इट वॉज अ ब्यूटिफुल फीलिंग और मेरे लिए वो खुशी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी उस वक्त. तो उस वक्त मुझे रोने की फीलिंग नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है. अब निकाह में मैं रो गया था बेसिकली, क्योंकि वो इतना ओवरवेल्म, इतना एक वो सब खुश थे, सब पॉजिटिव था. और स्टार्ट में मेरा था कि यार ये कोई लोग समझते कि ट्रेंड है कि भाई दूल्हा रोता है और वो ब्ला ब्ला ब्ला. मेरा नहीं नहीं ये कौन रोता है, मुझे रोना नहीं आ रहा था. आई वॉज वेरी काम एंड यू नो. अज़लान के जो फादर हैं वो अज़लान के साथ बैठे हुए थे, मैं आंटी के साथ बैठी हुई थी. तो अंकल बहुत अपसेट थे. मेरे उस टाइम पे दिमाग में आया यार कोई बात अब्बा को बुरी लग गई है, कोई चीज़ है जो पसंद नहीं आई है, क्या बात है. तो अब्बा बिल्कुल बराबर में बैठे थे. मैंने कहा अब्बा कोई बात है, कोई आप चुप लग रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे. तो मैंने उनकी तरफ मुड़ के ऐसी मजाक में उनको चीयर अप करने के लिए बोला, अंकल आप इसलिए अपसेट हैं, मैं आपके घर आ रही हूँ, इतनी बुरी हूँ मैं. तो उन्होंने नहीं बेटा, एंड देन ही स्टार्टेड क्राइंग. मेरे कान में मुझे बोला कि मुझे अपने अम्मा और अब्बा बहुत याद आ रहे हैं. तो पप्पा ने उस टाइम पे जब ये बोला था ना, तो मैं इतना
ऐसा मैं ट्रिगर हुआ, ऐसा मुझे फील हुआ, मैं बता नहीं सकता. मैं देखें, मैं सच बात बोलूँ, मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ. आई एम ओवर सेंसिटिव, मतलब मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ. तो जब पापा ने ये बात बोली, मैंने वरीशा को देखा यूँ और मैं यूँ उसमें सर बस नीचे करके मैं फूट फूट के रोना शुरू हो गया. आई थिंक अगर कोई इतना सेंसिटिव और इतना इमोशनल है तो उससे सिर्फ ये जाहिर होता है कि उसका दिल कितना साफ है कि उसके सारे इमोशन उसके फेस पर. And I think it's okay to cry, यार. मतलब रोना, उस रोने के बाद से मैं बड़ा लाइट फील कर रहा था और मैं बस जितना था मैं वो चीखे मार मार के रो गया, मुंह छुपा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन वो रोना ही नहीं रुक रहा था मेरा. So yes, I cried a lot at very that moment. एक बहुत इमोशनल मोमेंट हम लोगों ने शेयर किया वहाँ पे. मैं ट्राई कर रही थी उनको, मतलब मैं उस वक्त भी वीडियोस में हंस रही हूँ, लेकिन मैं वो इसलिए हंस रही हूँ, मैं उनको हंसाने की कोशिश कर रही थी कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएं उस चीज़ से, और मैं उनको चुप कराने की कोशिश कर रही थी. लोग ये समझ रहे हैं कि कितनी इनसेंसिटिव है कि साथ बैठे हुए हंस रही है और रो रहा है, बट मैं उनको एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट कर रही थी. खैर, या डोंट थिंक आई विल एवर फॉरगेट दैट. फिर जाहिर है बाद में कवाली की नाइट हुई, और फिर जनाब हमारे एक दोस्त हैं मुजद्दद साबरी, तो मैंने मंगनी के बाद ही जो ना मुजद्दद को कह दिया था कि भाई दिसंबर में मेरा निकाह होगा और तुमने जो ना वहाँ कवाली का सीन करना है. बिकॉज़ अज़लान भी मसला ही नहीं है. तो फिर कव्वाली नाइट होती है, आउट ऑफ ऑल द अदर इवेंट्स वो वाला मैंने बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया. सब खुश थे, सब ने डांस किया, सब ने इन्जॉय करा, यू नो हम सब नाचे और सब ने बड़ा इन्जॉय किया. आई थिंक निकाह वॉज अ वंडरफुल ब्यूटिफुल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अज़लान्स फ्रेंड्स एंड फैमिली. देखिए निकाह हो गया, सीन हो गया, लेकिन उसके बाद जो सीन्स हुए मेहंदी में वो आप लोगों को पता भी नहीं है भाई. प्रॉपर बैटल, प्रॉपर कंपटीशन, लड़के वाले वर्सेस लड़की वाले, मतलब फुल ऑन पार्टी.